अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और रमज़ान आप लोग के कैसे गुजर रहे हैं? हमारे भी अच्छे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर रोज़ा खुल चुका है और खुलने के बाद मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। लौकी बनाऊँगी मैं भुनी हुई। तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम खाना भी खा लेते हैं रोज़े के बाद यानी इफ्तारी के बाद, और बाज़ दफ़ा नहीं भी खाते हैं। तो बस यहाँ पर हम खाना खाएंगे आज, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज ली है और ज़ीरा लिया है और इसको तेल में डाल के अच्छा सा मतलब नरम हो गई प्याज ना, भून लेंगे। और इसमें डाल रहे हैं हम लहसुन के जवे काट कर अच्छे तरीके से भून लेंगे उनको भी। हरी मिर्चें डाली हैं और बस इसमें हम टमाटर डालेंगे और नमक मिर्ची हल्दी ये सब डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत ही ईजी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी और झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर मैं मसाले भी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और बस लौकी ऐड करेंगे। और लौकी में पानी नहीं डाला जाता है गलाने के लिए, तो थोड़ा बहुत ही पानी डालें कि मसाला लगे नहीं, बस इतना ही मैंने डाला है पानी। और बस लौकी डाल के इसको ढक के रखेंगे हम और ये खुद ही भुनने पर आएगी, ढक के दें खुद ही गल जाएगी। इसका अपना ही पानी बहुत रहता है इसको गलाने के लिए, तो इसलिए इसमें पानी नहीं डाला जाता है। देखें मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भून रही हूँ, नमक मिर्ची हल्दी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि मसाला जले नहीं। और बस इसमें हम लौकी ऐड कर देंगे और मैंने लौकी बारीक कटिंग की है, ये देखें इस तरीके से। आप जैसे चाहें वैसे आप इसको काट सकते हैं। और बस इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ढक्कन लगा के लिड लगा के इसको पकाएंगे गलने तक, और ये भुनने पे आएगी खुद ही। जाते हैं रेसिपी की तरफ, तो ये देखें सब्ज़ी कितना भाप बन गई थी और अच्छे तरीके से गल चुकी है ये। तो बिल्कुल लिड को ढक के रख दें तो फिर देखें नहीं, उसमें भाप बनने दें, उसी पानी में ये गलेगी। और ये अच्छे से गल चुकी है और बस अब मैं इसको फुल आंच पर भूनूंगी जब तक इसका पानी जल ना जाए और मसाला तेल छोड़ दे, जब तक हमें इसको भूनना है। अच्छी तरीके से भून लें इसको। और मैंने चेक किया था तो नमक कम लग रहा था, तो नमक डाल दिया था मैंने इसमें, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है, जल्दी बन जाती है, रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, अच्छी लगती है। सैफ जो है दुकान पर थे, तो मैं उनको चाय दे दूंगी बाहर और बस उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी कल।
यानी इतवार का दिन, आठवां रोज़ा है और ये रही अप्रिश। और ऐसा शाम का वक्त है, ये असर हो चुकी है और बस मैंने खाना चढ़ा दिया था कि खाना बनने का, दाल चावल बना रही थी मैं रोज़े के लिए यानी इफ्तारी के लिए। तो लेकिन ये हुआ कि दो जगह से इफ्तारी आ गई तो वही हम लोगों में पूरी हो गई थी माशाल्लाह से, तो इसलिए खाना हम लोगों ने नहीं खाया, फिर वो नेक्स्ट सहरी में ही यूज़ हुआ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दूध, तो मिल्क ना मैं आजकल ये वाला ला रही हूँ और अप्रिश को भी यही दे रहे हैं हम, डेरी किंग, इसका नाम डेरी किंग है और ये फुल फैट क्रीम मिल्क है और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। तो अप्रिश को मैंने ये यूँ लगा दिया है क्योंकि जो अभी वबा आ गई थी जानवरों में स्किन डिजीज़, तो इस वजह से मैंने अप्रिश का जो फ्रेश मिल्क है वो बंद कर दिया इस वजह से, वरना हम लोग फ्रेश मिल्क दे रहे थे गाय का, लेकिन अब मैं ये बना लेती हूँ। तो इस तरीके से बनाते हैं इसको और अच्छे से इसको मैं उबालूंगी अब, और इसके बाद मैं शरबत बनाऊंगी क्योंकि मैं अपनी तैयारी कर रही थी और बाद में फिर इफ्तारी आ गई थी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो मैं शरबत बना रही थी और यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है कि साथ साथ दूध उबल जाएगा और साथ साथ मैं शरबत भी बना लूंगी। तो शरबत मैं ले आई थी टैंक, और भी बना लेते हैं हम, रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं और टैंक बना लेते हैं, ये भी अच्छा लगता है, कभी ये बना लेते हैं कभी रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं लाल शरबत। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी ये बना लूँगी और उसके बाद मैं दाल चावल चढ़ाऊँगी। चूल्हे पर तो अभी आराम से पकती रहेगी, बस एक उबाल आएगा इसमें तेज़ आंच पर और बस चावल वगैरह मैंने तैयार कर लिए थे, मतलब दम पे रखने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर दाल अच्छा उबाल आ गया था इसमें और पक्कन पड़ गई है, तो यहाँ पर मैंने चावल दम पे रख दिए हैं, देखें पानी इनका जल गया है, दम पे आ गए और साइड पर दाल पक रही है और बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा दाल चावल। हमारी आज की इफ्तारी और ये महल्ले से आई थी और बस इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर जो दाल चावल रह गए थे उन्हें मुकम्मल करना था और भंगार वगैरह लगा करके बस फिर मेरे को बाहर जाना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बाहर निकला जाए ना,
रमज़ानों में क्या होता है कि दिन में तो निकल ही नहीं सकते, तो गर्मी भी बहुत होती है, ऊपर से रोज़ा होता है तो निकला नहीं जाता है। तो बस मैंने फिर आज ही प्रोग्राम बनाया, और खाने के बाद भंगार भंगार दे दिया, खाना तैयार हो गया, फिर मैं आराम से बाहर गई। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बाहर जाए बंदा तो ना कि ये करना है वो करना है, तो बस मैंने इसलिए भंगार वगैरह लगा दिया था, चावल रेडी हो गए थे, फिर मैं बाहर गई। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे साथ। तो मुझे यहाँ पर करीब में एक मॉल है, ग्रेस नाम है, और वहाँ जैसे राशन तो मिलता ही है और भी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े और स्टोरेज बॉक्सेस, कुशंस और छोटे बच्चों की चप्पलें वगैरह। तो मुझे ना चप्पल लेनी थी अबरिश के लिए, और एक कुशन कवर भी लेना था, तो बस इसीलिए मेरे को जाना था। और भी चीज़ें हैं लेकिन वो मैं बाद में लूँगी। अबरिश के साथ बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर सकते बंदा, बिल्कुल भी। तो ये दो चीज़ें ही मुझे अहम लगीं, तो मैंने बोला ये यही ले लूँ मैं। इसके साथ शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल है, अबरिश के साथ छोटा बच्चा होता है तो परेशानी तंग बहुत ज़्यादा पीछे लगती है, ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि इसके साथ जाऊँ मैं। बस इसी वजह से मैं आलकसी कर जाती हूँ, नहीं निकल पाती। तो बस हम लोग निकल गए हैं। वो सबसे पहले हमें पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में, तो हम यहाँ पे रुके। इतना रश था ना यहाँ पर, रोजे के बाद हर जगह रश होने लगता है, लोग रोजे के बाद ही निकलते हैं। तो ये है ग्रेस, यहाँ मैं आई थी और चप्पल और क्वेश्चन कवर मिल गया था। उसके बाद मैं फिर पार्क आ गए थे हम लोग, और यहाँ देख रहे हैं कितना अंधेरा हो रहा है, लेकिन खुला हुआ था पार्क और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही सुकून था इधर, कम लोग थे, कम रश कम था। तो हम इसको लेके इधर आ गए थे, और हमारे साथ पापा भी थे, तो काफ़ी अबरिश ने इन्जॉय कर लिया। पापा होते हैं तो अच्छे से अबरिश इन्जॉय कर लेती है, क्योंकि वो उसके साथ खेलते हैं, तो बच्चों के साथ तो जो बच्चा बने वही उसका फेवरेट हो जाता है, तो बस इसीलिए वो उनके साथ खेलते हैं, तो वो उन्हीं के साथ ही अच्छा लगता है उसको आना जाना खेलना। और बस यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पर झूले वगैरह बिल्कुल फनलैंड बंद था। वैसे तो यहाँ पर खुला हुआ होता है आम दिन में, लेकिन रमज़ानों की वजह से यहाँ पर बंद था। बस सुकून बहुत था, तो हम इधर घास पर बैठ गए थे और अबरिश खेल रही थी और खूब मस्तियाँ करी अबरिश ने।
तो बस बहुत खेल लिया है, कपड़े गंदे हो चुके हैं वृष के, और अब हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस घर जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों से और आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या लिए मैंने। रास्ते में ये खरबूजे वाला दिख गया था और ये सही दे रहा था, इस टाइम ज़रा सही देते हैं, रेट सही लगा लेते हैं, तो ये ले लिया था हम लोगों ने। और बस अब हम लोग घर आ चुके हैं और चलिए फिर अंदर चलते हैं। और बस मैं अब वृष को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी और उसको अच्छे से तैयार करूंगी क्योंकि वो पूरी मिट्टी में हो चुकी है, इतना खेला है उसने ना माशाल्लाह से। शॉपिंग की थी मैंने, ये है कुशन कवर है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और एक चप्पल ली थी मैंने, एक जोड़ी अब्रिश की, और वो भी बहुत ही प्यारी मिली है, तो बस ये लिया था मैंने। तो बस मैंने अब्रिश को तैयार कर दिया था नहला के, और काफ़ी सुकून महसूस करती है वो, लेकिन वो फ़ोन मांग रही थी इसलिए रो रही थी। और बस मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे आटा गूंदना था सहरी के लिए और छोले भिगो के रखने थे क्योंकि ये रात में भीगेंगे तो फिर मैं इफ्तारी में इसको बना सकती हूँ। तो मेरा इरादा है कि मैं अगले दिन यानी कि 9वें रोज़े में अफ्तारी बनाकर और बांटूँ, मतलब महल्ले में दो चार गुरमा भिजवा दूँ, तो इसलिए मैं छोले वगैरह भी भिगो रही हूँ। और बस ये भीग जाएंगे, इसमें मैंने सोडा डाला, अच्छी तरीके से धो के ना इसको भिगो लिया है मैंने, और इसमें सोडा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और इसको ढक के रख दूँगी मैं। और बस मैं अब चाय बनाऊँगी, की थी। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।